हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. दिस इज दीप्ति एंड आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. और मैं भी अच्छे से हूँ. और हम निकल चुके हैं अपनी एक और नई डेस्टिनेशन की ओर, जो है कोड़ीकोड. जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था, तब कोड़ीकोड का नाम था कैलीकट. तो जी हाँ, हम निकल चुके हैं. और वायनाड से कैलीकट की जो डिस्टेंस है वो है 67 किलोमीटर की. और हमें जो टाइम गूगल बाबा बता रहे हैं पहुंचने में, वो करीबन लगेगा 2 आवर्स. तो जो ब्रेकफास्ट है वो हमने किया है वायनाड में. वायनाड में जो उडुपी रेस्टोरेंट है वहाँ किया. वैसे तो केरला जो है हब है नॉनवेज का, बट अगर आप भी हमारी तरफ प्योर वेजिटेरियन है तो आप जा सकते हैं उडुपीज में. तो वायनाड का जो उडुपीज है उसमें हमने ब्रेकफास्ट में लिया था एक मसाला डोसा, एक प्लेन डोसा, एक प्लेट इडली ली थी जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री वड़ा था, और 2 टी ली थी. और बताइए, आप सोचिए कि हमारा बिल कितना आया होगा. हमारा बिल आया सिर्फ 158 रुपीज. तो जी हाँ, हम भी वो हो गए थे थोड़े शॉक्ड. बस 158 रुपीज, जो केरला में अगर आप खाना वगैरह खाते हैं वो थोड़ा सस्ता है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया. तो अभी हम खड़े हैं वायनाड की वायत्री नाम की जगह में, जिसकी जहाँ पे एक व्यू पॉइंट बना है. यहाँ से आप नेचर का एक बहुत अच्छा व्यू ले सकते हैं. वायनाड से जब कोड़ीकोड के लिए आप जाते हैं तो आप लेंगे NH 766. देखिए मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं और देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे अंधेरा हो गया होगा, इतने घने जंगलों से हम गुजर रहे हैं कोड़ीकोड जाते हुए. केरला ट्रिप की हमारी न्यू फाइंड है ये, देखिए इसे बोलते हैं जम्बूटा. ये केरला का एक फ्रूट है, पता नहीं आप देख पा रहे हैं अच्छे से, नहीं देख पा रहे. ये हमने तो पहली बार खाया है. कुछ कुछ लीची ऐसा होता है, लेकिन लीची से थोड़ा बड़ा है ये देखिए. अभी हम कोड़ीकोड पहुंचे नहीं है, बट बीच में छोटे छोटे विलेज एरियाज आ रहे हैं जहाँ छोटी छोटी मार्केट वगैरह है. वायनाड में जब आप रहेंगे तो थोड़ी थोड़ी ठंड फील करेंगे, लेकिन जैसे ही आप नीचे को कोड़ीकोड को आते हैं तो आपको गर्म फील होने लग जाता है मानसून सीजन में भी. क्योंकि जो वायनाड में टेम्परेचर था कल, वो था करीबन 23-24 डिग्री दिन का, और रात को थोड़ा और घट गया था, 20 डिग्री में आ गया था. और उससे भी ज्यादा ठंडा हमें फील हुआ था ऊटी में. ऊटी में जब हम मॉर्निंग निकले थे, क्योंकि रात में बारिश भी हुई, तो 14 डिग्री था. और अब आज हम जब कोड़ीकोड पहुंचने वाले हैं तो जो टेम्परेचर है दिन में 11 बजे का, वो 30-31 डिग्री हो रहा है. ये अभी आउटस्कर्ट है कोड़ीकोड का और हम सीधे जा रहे हैं हाईलाइट मॉल, जो यहाँ का सबसे बिगेस्ट और फेमस मॉल है कोड़ीकोड का. बाहर का टेम्परेचर जो है 31 डिग्री हो रहा है. वो कोकोनट ट्रीज लगे हैं पूरा रोड के दोनों साइड. ये हम पहुंच चुके हैं हाईलाइट मॉल, जो यहाँ का सबसे बड़ा मॉल है कोड़ीकोड का. हम खड़े हैं कोड़ीकोड के सबसे बिगेस्ट मॉल में, जिसका नाम है हाईलाइट मॉल. और यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है ओनम की. आप देख रहे होंगे हैप्पी ओनम का हर जगह जो डेकोरेशन हुई है, उसमें हैप्पी ओनम लिखा हुआ है.
हमजा है और इसको घर में हैप्पीनेस के लिए लगाते हैं। हम निकल चुके हैं कोझीकोड बीच की तरफ, जो हमारे होटल से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे है। अभी देखते हैं कैसा बीच है वो। तो हम अभी खड़े हैं कोझीकोड बीच में, जिसे कैलीकट बीच भी बोलते हैं। ये पड़ता है कोझीकोड सिटी के एकदम वेस्टर्न साइड पे। कोझीकोड बीच के अलॉन्ग जो रोड जाती है, उसे रीनेम किया गया था गांधी रोड को, जब 1934 में गांधी जी आए थे कैलीकट यानी कोझीकोड में। इस बीच के अलॉन्ग में एक पाथवे बना है, जिसमें आप रनिंग और वॉकिंग कर सकते हैं जब भी यहाँ आते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, कोझीकोड बीच बहुत ही बिजी बीच है, और वैसे भी आज संडे है तो बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, और कोझीकोड में बहुत ही कम बीच है, इसलिए जितने भी यहाँ पे 2 या 3 बीच हैं वहाँ हमेशा बिजी रहते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको दिखाया होगा, हम पहले अंडमान भी गए हैं और गोवा भी गए हैं, तो वहाँ बीच का जो पानी था वो बहुत ही क्लीन वाटर था, एकदम साफ दिखता, ब्लूइश कलर का कुछ दिखता था, लेकिन यहाँ का पानी इतना साफ दिख नहीं रहा है। ये कोझीकोड बीच में आने के बाद एक्सपीरियंस इतना कोई ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है हमारा, क्योंकि बिल्कुल भी क्लीन बीच नहीं है और बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है। कोझीकोड बीच में हम थोड़ी देर ही रहे, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी आज, क्योंकि वीकेंड था तो लोग फन एक्टिविटीज़ करने के लिए आए हुए थे जो लोकलाइट्स थे। तो थोड़ी देर हम रुके और थोड़ा एक्सप्लोर की कोझीकोड बीच, और बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो रही थी अभी, क्योंकि फ़न के लिए उन्हें बस एक दो बीच ही हैं यहाँ के लोकलाइट्स के लिए। तो हम भी थोड़ा बहुत इंजॉय करके अब निकल चुके हैं अपनी दूसरी बीच एक्सप्लोर करने के लिए, जो है कप्पड़ बीच। तो मुझे लगता है हर एक शहर में ऐसी एक दो बीचेस होनी चाहिए लोकलाइट्स, ताकि वहाँ पे फन कर सके, वीकेंड आता है तो वहाँ पे जाके एंजॉय कर सके। एज अ नॉर्थ इंडियन मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कोई बीचेस वगैरह नहीं है। हाँ, हिल एरिया वगैरह में घूम सकते हैं, बट अगर हो तो हम सभी जो भी लोकलाइट्स हैं जहाँ के जो भी, उनके लिए एक फ़न एक्टिविटी करने के लिए बहुत अच्छी जगह मिल जाती है। तो बस हम पहुंच ही गए हैं कप्पड़ बीच के पास, और अब हम जा रहे हैं कार पार्किंग करने के लिए। ये देखिए, ये है कप्पड़ बीच। हम पहुंच गए हैं कोझीकोड के कप्पड़ बीच में। जी हाँ, ये वही बीच है जहाँ पे 1498 में वास्को डी गामा आए थे, और ये सबसे पहला इंटरेक्शन था इंडियंस का वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ। 2007 में इस कप्पड़ बीच का पूरा ब्यूटिफिकेशन हुआ है, और इसमें कुछ 1.7 करोड़ रुपीस खर्च हुए हैं, एंड इट्स अ मच ब्यूटीफुल बीच देन कोझीकोड बीच। आप देख सकते हैं सैंड का कलर ही यहाँ का कोझीकोड बीच के कंपैरिजन में बिल्कुल ही डिफरेंट, एकदम वाइट सैंड है यहाँ की। तो अगर कभी आपको कोझीकोड आने का मौका मिलता तो ये कप्पड़ बीच को बिल्कुल भी मिस ना कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल अंडमान और गोवा के टक्कर की बीच है। अगर आप कोझीकोड आते हैं तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगी कि आप कप्पड़ बीच जरूर आइए, ना कि इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू है, बल्कि आप एक फैमिली के साथ भी एक फन टाइम इंजॉय करते हैं।
तो इस ब्यूटीफुल इवनिंग के साथ इस कप्पड़ बीच से मैं इस व्लॉग की एंडिंग करती हूँ। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।